बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आता है। ये तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। बहुत बादल आई हुई हैं, हमें मैसेज भी आया था कि आज बारिश होने का इम्कान है, तो आज देखेंगे कि बारिश होती है या नहीं। बहुत ज़्यादा बादल आई हुई हैं और आज बारिश का इम्कान है, बहुत मज़ा करेंगे। तो ये एक वीलॉग जो है ये स्पेशली बारिश के ऊपर है। और मेरे जो कुली है उसने ये भी बाहर रखा हुआ है। बहरहाल मैं चप्पल पहनता हूँ अभी। अभी ये मनाजर है, बाहर बादल आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है, साथ असर का टाइम है और आज जो है हफ्ते वाला दिन है और असर का टाइम है। हवा जो है टाइम टू टाइम वो बढ़ रही है और इंशाल्लाह ज़बरदस्त बारिश जो है वो होने वाला है। आप देख सकते हैं ये कि ज़बरदस्त बारिश होने वाला है यहाँ पर। अब पहाड़ों के ऊपर से एक बहुत अच्छी पिज़ाई बनी हुई है, तो जब बारिश होती है यहाँ से ऐसे सीधा जो है ये जगह से ऐसे नीचे पानी आता है ये वाली साइड में ऐसे। मैं कोशिश करूँगा, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाता। यहाँ से ऐसे पानी आता है, बहुत खूबसूरत ये इसका वो लुक बन जाता है ऐसे। और ये सारे पहाड़ गीले हो जाते हैं और जो गीलापन है इसका वो बहुत मज़ा आता है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों के साथ मैं ये डिटेल से शेयर करूँगा। ज़्यादा तो पकौड़े बनाने का भी है, कोशिश करते हैं पकौड़े बनाते हैं क्योंकि बारिश है और बारिश में पकौड़ों का मज़ा ही कुछ और है। अभी असर का टाइम है और देखते हैं, वेट करते हैं कि बारिश किस टाइम शुरू होती है। तो सबसे पहले हम बारिश का वेट करते हैं और मिलते हैं बारिश में इंशाल्लाह। इंडिया में बारिश हर टाइम नहीं होती, साल में एक दो दफ़ा होती हैं या दो साल बाद होती हैं। पर इस वक्त मक्का की जो सिचुएशन है पिछले तीन चार साल से साल के अंदर दो तीन बार हो जाती हैं। होश है हम भी और देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं, पर मज़ा बहुत आने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि बारिश को पूरी तरह रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ। यहाँ की बिल्लियाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा लेजी हैं। ये पहली बिल्ली थी जो भाग गई, नहीं तो बिल्ली जो है वो भागती ही नहीं है यहाँ से, वो आपके साथ ही बैठी रहेगी। बारिश का सीन वही है, अभी तक कोई बारिश नहीं आया। और चलो आपको विज़िट तो करा दूँ कम से कम। अभी इस वक्त मैं निकल रहा हूँ वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज करूँगा और कम से कम 3 किलोमीटर जो है वो मैं एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद मैं वापस आऊँगा, फिर जो है खाना पीना करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह मगरिब की, और जो इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी करेंगे। पर सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है हमने, और आपको दिखाता हूँ कि कितना हम लॉन्ग ट्रैक जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग भी देख लीजिएगा। और बारिश का तो कोई सीन नहीं है, यानी बादल बहुत ज़्यादा है, गरज चमक बहुत है, पर अभी तक कुछ बूंदा बांदी थोड़ी सी हुई बस, उसके बाद स्टॉप हो गई। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो बूथ नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो आखिर तक वो जो ब्रिज है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। वो ब्रिज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे और सीधा मैना जाएंगे, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है पीछे इसके बिल्कुल बैक की तरफ जाएंगे, और वहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये 3 किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि ये ऐसे नज़र तो नहीं आ रहा पर ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दौड़। आप देख सकते हैं बहुत थक गया हूँ, तकरीबन ये 3 से 4 किलोमीटर मैंने जो है दौड़ लगाई रनिंग की, और यहाँ से थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर यहीं से मैं पैदल जाऊँगा, और वो भी तेज़ कदमों से, ताकि जो एक्सरसाइज़ किया उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे मिले। तो थोड़ा सा और एक्सरसाइज करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे पैदल।
दोस्तों एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और इंसान फिट भी महसूस करता है, जबकि इससे आपके अंदर लेजीनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो डेली आप भी कम से कम लाइफ में अगर 24 आवर्स आप अपने आपके लिए काम करते हैं यानी 23 घंटे, तो कम से कम 1 घंटा आप अपने आप के लिए भी निकालें और ये 1 घंटा जो है आपकी लाइफ जो है वो चेंज कर देगी। अगर आपके 1000 टेंशन है, बहुत आप परेशान हैं, आप दिन में एक दफ़ा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, पास टिप्स ले, जितना आप कर सकते हैं, पर वो 1 घंटा आपने ऐसे गुजारना है कि दुनिया से हट के आपने गुजारनी है, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और अगर आपको मज़ा आया तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने सही कहा था। वहाँ से तकरीबन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपना जर्नी वापस रोम की तरफ, और तकरीबन ये 4 किलोमीटर में 10 से 12-13 मिनट में पूरे यानी कर देता हूँ, कभी 15 मिनट भी हो जाते हैं। तो यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, तो वहाँ वो ग्रीन जगह जो है उसके बाद येलो नज़र आ रही है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर वो वाइट बिल्डिंग जो है स्टेशन, वहाँ तक हम गए। तो ये तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर बनता है आराम से, और अब जो है हम वापस जा रहे हैं, आधा रास्ता हमने वापसी का क्रॉस कर लिया और ये जो है हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अभी ये बस स्टैंड है, आगे पहाड़ है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, काफ़ी मज़ा आता है वैसे इधर घूमने का, तो ये पूरा सीन है। इसी तरह वापस हम आ चुके हैं, अब हम घर में जाएंगे, एंट्री होंगे घर में और उसके बाद कुछ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ है वो करने के बाद फिर नाइट ख़त्म, दिन ख़त्म, रात ख़त्म, एक नया सुबह नया दिन शुरू होगा। तो आगे देखते हैं कि अभी रूम पे क्या होता है। थंडरस्टॉर्म पीछे आप देख सकते हैं, थंडरस्टॉर्म हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। ट्राई करते हैं पकोड़े बनाने का, कोशिश करते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि बारिश में पकोड़ों का मज़ा ही कुछ और है। अभी सही तेज़ बारिश अभी शुरू नहीं हुई, नहीं तो वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना है, वैसे मज़ा बहुत आ रहा है। I just don't know how to do it.